ओए कात्या, तेरे तीन भाई तो आ गए, बाकी क्या चार कहाँ हैं? अरे ये तो अमित टंडन है। ओ, सूट बूट में अमीर आदमी। अरे उतरवाऊंगा नहीं, नॉर्मल बात करने आ रहा हूँ। बताओ। सुनिए, शक्ल से इतने अमीर लगते हैं कि आप मेरी छोटी सी 5 करोड़ की मदद करेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं है मेरे पास। देखा, बिल्कुल सही नाम रखा है इसका, किशोर दयानी, जिसके पास बिल्कुल दया नहीं। ओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कहीं और होना चाहिए। उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा। अरे इधर आ जाओ, वो आपका कावा नहीं है, वो हमारा स्टैंड अप आर्टिस्ट है। क्या? अगर स्टैंड अप करना चाहते हो तो अमित टंडन का सहारा लेना छोड़ दो। अरे वो सब टैलेंटेड लोग हैं, मेरा कोई सहारा नहीं ले रहा है, अपने टैलेंट के कारण आए यहाँ पे। टैलेंटेड? सॉरी, माफ करना, बॉबी के साथ रह रहे के मुझे टैलेंट दिखाई नहीं देता अब। वैसे मैडम जी, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी हैं। मुंह में पान रखा है, वो थूक के बोल दो। मैंने सुना बहुत अच्छी हैं। कोरियोग्राफर भाई। मैडम जी, मुझे चीयर लीडर वाला डांस सिखा दीजिए। यार आपने पिक्चरें डायरेक्ट करी हैं, आप इतने बड़े एक्टर रहे हो, प्रोड्यूसर रहे हो, इतना कुछ करा, तो ये चीयर लीडर क्यों बनना है आपको? एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ, सब हूँ, लेकिन छोटी स्कर्ट पहन के डांस करने का मजा ही कुछ और है। खैर मैं यहाँ पे आया हूँ तो आपने पापा के फार्म हाउस की प्रमोशन भी कर देता हूँ। मैंने कुछ फोटोज मंगाए थे, जरा जल्दी ला के देना। ओए छेती कर, भाग। मेरे पापा के फार्म हाउस में बहुत सारी बेहतरीन चीजें हैं, जैसे कि मेरे पापा ने 10-10 हाथी पाल रखे हैं जो रोज 5-5 लीटर दूध देते हैं। मैं हाथी की फोटो भी लेके आया हूँ, ये देखिए। कितनी सुंदर सूंड है उसकी। अरे ये हाथी नहीं है, ये सूंड नहीं है। क्या ये? तो भैंस है, भैंस, वो भी उल्टी खड़ी है। तभी मैं सोचूं इसके पीठ पे सींग क्यों लगे हुए थे। एक सेकेंड। हेलो पापा। क्या? मैं घर आऊं अभी? मुझे घर जाना होगा, पापा ने कहा है खोते थे पुत्र घर आ जाओ, तो रास्ते में से खोते थे पुत्र भी उठाने होंगे। ओके भाई। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.